हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। आई एम डॉक्टर अदिति काशिकर और आज हम और आप बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अगर आपका फ्रेश वाटर का एक्वेरियम है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कोरल्स। अब कोरल्स के बारे में हम सभी ने सुना है और सबको पता है कि ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ इज फेमस फॉर दीज कोरल्स। लेकिन ये कोरल्स एक्चुअली है क्या? वेल, इंडिया में तो ये बैंड है तो आप रख नहीं सकते, या पर आप इसके बारे में बात तो कर सकते हैं। सो काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि कोरल्स प्लांट्स हैं, बट कोरल्स प्लांट्स नहीं हैं। दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया। अब ये जो कोरल्स है ना, ये एक्चुअली एक चीज़ नहीं है बट एक कॉलोनी है। मतलब ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एक झुंड है, जमाव है, एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉलोनी। तो ये जो कोरल्स है ना, ये मरीन लाइफ के लिए, सी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और ये हमेशा थोड़ा शैलो वाटर्स प्रेफर करते हैं, अच्छा सनलाइट होना चाहिए। अब आपने सुना होगा दो चीज़ों के बारे में, एक है कोरल ब्लीचिंग और एक है कोरल फ्रैगिंग। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये कोरल्स अपना कलर छोड़ना शुरू हो कर देते हैं, मरना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक चेंजेस या बहुत सारी ऐसे एनवायरमेंटल या पोल्यूशन, ये सब की वजह से। एंड ऑन द सेम हैंड, काफ़ी सारे जगहों पे, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये कोरल फ्रैगिंग का एक टीम चलता है, कोरल फ्रैगिंग का एक एंटायर यू नो प्रोग्राम चलता है। जैसे कि आप प्लांटेशन करते हैं, आप अगर गार्डनिंग करते होंगे तो आप कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट, दूसरे से तीसरा ग्रो करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलरली कोरल फ्रैगिंग होता है। तो एक्चुअली अगर आप देखें इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, यहाँ पर ये कोरल फ्रैगिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है और गवर्नमेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है। जिस तरीके से एक इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन चाहिए या हमें प्लांटेड एक्वेरियम्स के लिए एक अच्छा लाइट चाहिए विच विल मिमिक द सन, उसी तरीके से कोरल्स के लिए भी बहुत सारे वाटर पैरामीटर्स होते हैं। अब जो लोग मरीन एक्वेरियम बनाना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वेल, आप कोरल्स रख तो नहीं सकते लेकिन आपको वाटर पैरामीटर्स मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतने दिनों के जर्नी में मुझे एक चीज़ तो समझ में आई है कि मरीन एक्वेरियम काफ़ी लोगों ने रखने का ट्राई किया, काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके भी उन्होंने किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो वेल, मरीन एक्वेरियम अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो इट इज़ लाइक अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। यू नीड टू, जो स्टेप्स है उसके सारे ना, वो सारे स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। अगर एक भी स्टेप आपसे छूट गया या आपने उसको ये सोचा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वेल, आज का टॉपिक है कोरल्स, तो चलिए कोरल्स के बारे में और थोड़ी डिटेल्स आपको बताती हूँ। अब ये कोरल्स सिर्फ ब्यूटीफुल है यहाँ तक ही सीमित नहीं है, लेकिन ये मरीन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो ये अपने में इनहैबिटेड करते हैं और काफ़ी सारे फिश के लिए ये घर के जैसे उनको शेल्टर देते हैं और काफ़ी सारे फिश इसके अंदर इनहैबिटेड होते हैं। ऑल्सो फिशिंग के प्रोसेस के लिए ये हेल्प होता है। एंड द मेजर थिंग इज़, ये जो कोरल्स है ना, ये इकोसिस्टम के लिए, मरीन सी वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो ये जो कोरल्स है, इनके दो मेजर सबसे ज़्यादा फेमस जगहें हैं, एक है जो कि है ऑस्ट्रेलिया का बैरियर रीफ, हम सबको पता है, एंड अनदर इज़ द कोरल ट्रायंगल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। वेल, अब अगर ये कोरल्स एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये खाना कैसे खाते हैं? तो दे हैव अ वेरी यूनिक प्रोसेस ऑफ फीडिंग। दे हैव रिलेशनशिप विद द एल्गे कॉल्ड जूजैंथेली। अब ये एल्गे जो है, ये कोरल के टिश्यूज़ में बस जाते हैं एंड दैट इज़ हाउ ये कोरल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड सिमिलरली कोरल्स इनके साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोरल्स थोड़ा सा शैलो वाटर प्रेफर करते हैं, तो इसके वजह से काफ़ी सारे एनिमल्स, मतलब काफ़ी सारे फिश भी जमा होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई ये फिशिंग के लिए या टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट्स हैं। तो अगर ये कोरल्स इतने इम्पॉर्टेंट है और इतने ब्यूटीफुल है तो इनको बैन क्यों किया गया है? कुछ कंट्रीज़ में यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ कोरल्स।
इनको बैन इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, पोल्यूशन हो या क्लाइमेटिकल चेंज हो या बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस हो, इसके वजह से ये कोरल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ब्लीच होना शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड इसके वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स। और काफ़ी लोग इनको जस्ट इसके लिए, मतलब फ़िशिंग के लिए सिर्फ तोड़ देते हैं, जो खाने वाली फ़िश होती हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। कम करने के लिए, इन चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लाने के लिए कोरल्स जो है वो कम्प्लीटली बैंड है। और आपको भी पता है कि हॉबी, एक्वेरियम हॉबी के इंडिया में क्या लेवल है। सो हॉबी सिर्फ चीज़ें रख लेते हैं लेकिन उनको ध्यान नहीं देते, बस सजा लेते हैं लेकिन उनको ध्यान नहीं देते। फ्रेश वाटर की भी यही हालत है, मरीन वाटर की भी यही हालत है। इट्स जस्ट दैट मरीन वाटर हर कोई नहीं रख पाता बिकॉज इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप एक एक्वेरियम रखें तो आप सोच समझ के एक एक्वेरियम रखिए, या एग्जिस्टिंग एक्वेरियम में आपको उसको अपग्रेड करना है तो सोच समझ के प्लान करके कीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़, जब आप एनवायरमेंटल चीज़ आप खरीदते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि उसको आपको संभालना है और उसको आपको आगे बढ़ाना है और उसको ग्रो कराना है, एंड आपको उसको बहुत ही ध्यान से रखना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरल्स। मैंने इसलिए मरीन सेगमेंट्स थोड़ा वीडियो का स्टार्ट किया था मरीन सेगमेंट्स के, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि मरीन लाइफ के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। वेल, अगर आपको फ्रेश वाटर एक्वेरियम भी है तब भी आप डेफिनेटली सी वाटर का, मरीन का नॉलेज तो रख ही सकते हैं। एंड जब आप मरीन एक्वेरियम रख रहे हैं, जिनके पास भी मरीन एक्वेरियम है, कुछ भी इश्यूज़ आपको हो रहे हैं तो वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके इश्यूज़, या आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी कम लोग, काफ़ी कम ऐसे हॉबीज हैं इंडिया में जो कि प्रॉपर मरीन के लिए गाइड कर सकते हैं या प्रॉपर मरीन आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से रखा जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल शेयर कीजिए तमाम हॉबीज के साथ। और जल्दी वापस आऊँगी एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।